तो दोस्तों एक बार फिर तुहाडा सारिया का साडी पंजाबी चैनल हिंद पंजाब से स्वागत। अज गल करांगे उस डेवलपमेंट की जिन्हें मुंबई तहलका मचा के रखा हुआ, और एक यही गल नहीं है जी मुंबई के अंदर भी गल उस गल का गहरा तअल्लुक पंजाब नाल। पंजाब उत्तर भारत का अज के दिन सब तो बड़ा गैंग विश जिन्हों आप लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड गैंग कह सकते हैं, अंदरों कोई नहीं पर नाम आर्डर दिते गए रोल वंड ले गए। हूँ ये गैंग सिर्फ पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान तक सीमित नहीं है, इहदा असर प्रसार प्रचार मुंबई महाराष्ट्र विच भी होने लग गया। मैं अज ये रिकॉर्डिंग करन तो पहला एक वीडियो पाई थी अपनी हिंदी चैनल ते, जिन्हों देख के लोगों ने मैनू फोन किए मुंबई तो, जिदे बहुत सारे पुलिस अफसर शामिल से नाल बिजनेसमैन नाल पत्रकार, सारियां दा रिएक्शन एक मिलता जुलता निकलिया। वो वीडियो सी मुंबई से एक मर्डर होया सी 2006 जड़ा मर्डर करन च उत्तर प्रदेश तो क्रिमिनल भेजे गए सी छोटा राजन वालों, और उन्होंने दो बंदियां नू जिहड़े पुलिस के बुकवर भी सी ते पर नाल नाल ड्रग स्मगलर भी सी, उन्होंने छोटा राजन के एक बंदे नाल 60 लाख रुपए की हेराफेरी कर ली सी। उहदा बदला लैण लई उन्हां दा मर्डर किया गया 2006 जदों देखण नूं मुंबई का अंडरवर्ल्ड डेड हो चुका सी मर चुका सी, पर लोकल बंदे नहीं सी मिल रहे, इस करके उत्तर प्रदेश तो क्रिमिनल मंगवा के वो शरेआम मर्डर किए गए पुलिस की हाजिरी में। मरण वाले दोनों बंदे पुलिस की वैन च बैठे से, पुलिस की गड्डी च बैठे से, उन्होंने बाहर कट के गोलियां मार के मारिया गया और किसी पुलिस वाले ने रिटैलीएट नहीं किया। खैर वो मेरी हिंदी की चैनल से वीडियो तुम देख सकते हो। उस किस्म का वर्तारा नवे सिरे तो मुंबई च होण जा रहा, जिहड़े अज मैनू फीडबैक मुंबई तो मिलिया सारे सोर्स। तुसीं काफ़ी चिर तो एक गल सुनदे आ रहे हो कि लॉरेंस बिश्नोई दी सलमान खान नूं धमकी, उस तो बाद दो दिन पहला अपने पंजाबी मुक्तसर के बंदे गोल्डी बराग ने हिंदी भाषा बोलते हुए एक गोदी चैनल नाल इंटरव्यू करदिया ये धमकी दोबारा दोहराई है कि असी सलमान खान नूं छड्डांगे नहीं। हुण सलमान खान कोई आम आदमी नहीं है, सिद्धू मूसेवाला भी कोई आम आदमी नहीं सी, अपने अपने खेत्र विच दोनों सुपरस्टार से एक सी एक है, लेकिन मूसेवाला मरण तो बाद भी सुपरस्टार है। जो दहशत का माहौल पंजाब च बनिया मूसेवाला दे मरण तो बाद, किन्ने लोगों ने हुण तक प्रोटैक्शन मनी हाथ जोड़ के दे दित्ती होनी है उस मर्डर तो बाद, तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो। उस तो पहला लोगों नूं डराउणा धमकाउणा पैंदा सी कि सानूं पैसे दे दिओ, तो बहुत सारे लोग नहीं से देंदे ते बच भी जाते थे, पर मूसेवाले के कतल तो बाद किसे चीनी हिम्मत नहीं है कि बाहरों फोन आवे तो पैसे ना दे। नतीजा ये निकलिया कि बहुत सारे लोग पंजाब छड़ के बाहर चले गए, बड़े बिजनेसमैन कलाकार कुछ पंजाब छड़ के विदेशों चले गए, कुछ मुंबई चले गए, एक दो दिल्ली भी चले गए, लेकिन धमकियां जारी हैं। आजकल मर्डर करना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, ये एक बिजनेस बन चुका, पैसा कमाने का साधन है,
एक मर्डर करके उन्होंने लखां करोड़ों रुपए की आमदनी का वाधा हो जाता, ज़्यादा पैसे कमाने के साधन मिल जाते। हुण जदों उन्हां दा होल्ड इस गैंग का लॉरेंस गोल्डी गैंग का होल्ड ये तीन चार स्टेटा बड़ा मजबूत हो गया तो हुण उन्हां दी निगाह टिकाई गई मुंबई और हिंदुस्तान का सब तो अमीर शहर और वो बंदे जिन्हों को अंतां का पैसा लेकिन वल्नरेबल ने सूखम ने वो लड़ाई नहीं कर सकते, वो पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते, वो खतरा मोल नहीं ले सकते, वो रातों की नींद खराब नहीं कर सकते। तो इस करके एक धमकी तो उन्हां कोलों इन्ने पैसे मिल जाते हैं जिन्हें पंजाब च दस धमकियां दे के नहीं मिलते। तो दोस्तों एक ही रब दाया जा रहा जिहड़ियां इंटरव्यूज हो रही पहला लॉरेंस बिश्नोई दियां दो इंटरव्यूज एक नैशनल मीडिया गल तो सी बेसिकली सिद्धू मूसेवाले दे केस दी पंजाब तक लिमिटेड होनी चाहिए तो अगर लॉ एंड ऑर्डर क्राइम का सीन लोकेशन देखी जाए तो पर उन्हें वधा चढ़ा के नैशनल लैवल पर प्रोजेक्ट कर दिता गया जिहदा फायदा मूसेवाला के परिवार को घट होया पर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को ज़्यादा होया। महाराष्ट्र जिन्हां लोगों को यह भी नहीं पता कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है उन्होंने पता लग गया तो हुण दो दिन पहला दी इंटरव्यू तो पहला जिन्हां नूं इह नहीं सी पता कि गोल्डी बराड़ कौन है उस आदमी बारे भी उस सारे 60 लोगों नूं हिंदुस्तान भर च पता लग गया कि गोल्डी बराड़ कौन है। ये हुंदा भाषा का असर। वो लोग जदों तक पंजाबी च गल करते थे तो वो एक लिमिटेड दायरा से हुण हिंदी च इंटरव्यूज दे के वो अपना असर रसूख दबदबा एंड एरिया ऑफ इनफ्लुएंस जिन्हों आप कहने अपने असर का खेत्र वो बढ़ा रहे हैं। ये एक बड़ी सोची समझी साजिश है प्लैन है इसके कई मकसद ने एक नहीं गैंगस्टर लई मकसद तो पैसा कमाना है लेकिन उन्हां दे जिहड़े आका ने उन्हां दी पिठ ते सिर ते हथ रखण वाले जिहड़े लोग ने उन्हां दा मकसद कुछ होर है। वो एक तीर नाल कई निशाने करना चाहते हैं वो भी आपां गल करांगे। हुण लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी उस इंटरव्यू में बार बार कहा कि असीं सलमान खान नूं छड्डांगे नहीं क्योंकि उन्हें एक काला हिरन मारन वर्गा गुनाह किया। मेरे कमेंट बॉक्स जो तो मैं स्टोरी की सी राजस्थान तो बिश्नोई समाज ना जुड़े बड़े लोगों के कमेंट आए कि ये कोई पहला या आखिरी इंसीडेंट नहीं सी जिथे कोई काला हिरन मारिया गया हो। अज भी लोग काले हिरन मारते हैं लेकिन इशू इस करके बन गया कि वो एक सैलीब्रिटी ने मारिया सलमान खान ने मारिया और हुण 2014 तो बाद जिहड़ी भारत में राजनीति चल रही है उहदे च इहो जे खान का अगर मुद्दा आ जाता उहदा मकसद कुछ होर भी हुंदा तुसीं सारे समझ सकते हो लेकिन इन्ने साल के बावजूद भी अगर तुसी उस बंदे नूं सज़ा नहीं दे सके इहदे च कसूर किहदा ते जे तुहाडियां कोर्ट कचहरियां ने सरकारां ने पुलिस ने वकीलां ने दलीलां ने उस बंदे नूं अज तक सज़ा नहीं दवाई ते की ओह सज़ा हुण अंडरवर्ल्ड दे कारण दे देणगे। इहदे पिछे भी एक होर साजिश है होर मकसद जिवें मैं कहा एक तीर ना कई शिकार करना चाहते हैं
लेकिन सब तो बड़ा शिकार निशाना सलमान खान नहीं, इतना एक बहाना। निशाना था मुंबई दे कुबेरा नूं डराउण दा है कि अज अगर कोई गैंग ये कह दिंदा कि असी सलमान खान नूं नहीं छड्डांगे तो सलमान खान वर्गे एक्टर तो मुंबई च बथेरे पए आ, कलाकार सैकड़ों की गिणती च पए ने, इहो जिहे लोग भी हैगे जिन्हां कोले सलमान खान नालों ज़्यादा पैसा भी हैगा। मैं नाम नहीं लऊंगा किसी का, जिदा कल नूं मेरे तो इल्जाम लग जाना कि मैं शायद इशारा कर दिता लॉरेंस गोल्डी गैंग नूं कि आह बंदे नूं अगली धमकी दिओ। गल काले हिरन की नहीं है, गल काले धन की है, जिहड़ा करोड़ा रुपये इहो जिहियां वड्डियां हस्तियां कोले पिया उन्हां तों किवें कढाउणा, जिन्हां नूं देण लग्गिया दुख भी ना होवे शर्म भी ना आवे पर जिंदगी बची रहे। हुण सलमान खान नूं धमकी दित्ती गई पर उहदे नाल उहदी सिक्योरिटी किन्नी वधा दित्ती गई, जिन्नी आज़ादी नाल उह सब तों पहलां घूमदा सी अज उन्ना ही वड्डा कैदी बन के रह गया। वो आदमी जिहड़ा सवेरे घूमण जांदा सी मोटरसाइकलां ते घूमदा सी, आटो रिक्शा ते बह के भी चलिया जांदा सी, फंक्शन अटेंड करदा सी, पार्टियां ते जांदा सी, अज उहदी मूवमेंट कल्टेल हो के रह गई। उहदी आज़ादी जिहड़ी सी उह बंदिश आ गई। हुण कोशिश हुंदी है कि मैं घरों बाहर ना निकला, किन्नी वड्डी सिक्योरिटी तुसीं दे सकदे हो अगर उस बंदे दी जान नूं खतरे करके महाराष्ट्र सरकार ने उहदी सिक्योरिटी विच बड़े वड्डे लैवल ते वाधा कीता, तां कि इसे किस्म दा वाधा सिद्धू मूसा वाले नूं नहीं सी कीता जा सकता। जदों तुसीं उस बंदे नूं 10-12 बंदियां दी सिक्योरिटी दिंदे हो उह थ्रैट परसैप्शन ते दिंदे हो, ते जो थ्रैट परसैप्शन सी तां सिक्योरिटी वापस क्यों लई गई? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਦਣੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਤਿਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਕਿਵੇਂ ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਬਾਉਂਸਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਟਾਰਡਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਲਿਮਿਟਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਅੰਡਰਵਰਲਡ, ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੈੱਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾਡ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆ IP ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ ਫਲਾਨਾ ਢਿਮਕਾ ਕੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਮ ਕੀਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਡਬਲ ਐਜਡ ਵੈਪਨ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 50-60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬੜੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਡਰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਡਰ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੈਂਗ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਡਾਊਨ ਗੈਂਗ ਬਣ ਜਾਏ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਛੋਟਾ ਰਾਜਨ ਅਸ਼ਵਿਨ ਨਾਇਕ ਅਰੁਣ ਗਵਲੀ ਸਭ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਈ ਠਾਕੁਰ ਪੱਪੂ ਕਲਾਨੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਿਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੋਲੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗ ਵਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡੌਨ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੌਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਡੌਨ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸੀ ਮਦਰਾਸੀ ਵੀ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ
कि किते साडे पंजाबी मुंडिया ने अगर किते मुंबई इहो जिहे कोई वड्डे हादसे कर दिते ते पंजाबियां दे खिलाफ जिहड़ी एक मुहिम चलेगी, एक जिहड़ा रवैया बनेगा वह बहुत खतरनाक होएगा। अगे पंजाब च असीं देख लिया साडे खिलाफ की साजिशां हो रहीआं, इन्हां दा असर हुण जब बाहर पैण लग्या उन्हूं संभालना बहुत मुश्किल हो जाऊगा। एक खतरे की घंटी है, दोस्तों खबरदार रहो। मैं इन्हां सारे गैंगस्टर दे माता पिता भरा मामे चाचे ताए घरवालियां सालियां जीजे भैणां भरजाइयां भूआ फुफड़ां दोस्तां यारां सारे नूं अपील करूंगा, इन्हां मुंडियां नूं समझाओ इन्हां दीआं आपहुदरीआं हरकतां करके किते पंजाब तों बाहर बैठे पंजाबियां दा घाण ना करवा लिओ। हुकूमतां आउंदियां रहिंदियां जांदियां रहिंदियां, रिश्ते नहीं बदलते। थोड़ा जिहा अलर्ट होने की, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की जरूरत है, मौका सांभण की जरूरत है। कई गल्लां खुल के नहीं कीतियां जा सकदियां क्योंकि उन्हां दे कई मतलब निकाले जा सकते। इस करके मैं इशारे इशारे तुहानूं सारा कुछ दसण की कोशिश कर रहा। सलमान खान बहाना, निशाना कुछ होर है, उस निशाने तो बचण की बहुत जरूरत है। मैं जिहड़ी भाषा गोल्डी बराड़ चंगी तरह समझदा जां बाकी दे उहनां दे साथी जिहड़े ये भाषा समझते हैं, मैं उन्होंने हाथ जोड़ के बेनती करता कि हुण तक जो तुसी करते रहे हो उहदी सज़ा तो मिलेगी एक ना एक दिन, पर जिहड़ा पंजाब तो बाहर इहो जिहे काम करन लगे हो ये तुहाडी वजह करके तुहाडे कई अपणिआं दा भी नुकसान हो सकता, उहदे बारे भी सोचो। तो अज दे लई इन्ना काफ़ी, आने वाले दिनों से इस किस्म दीआं पंजाब नाल जुड़ियां गल्लां बातां इशू मसले लैके हाज़र हुंदे रहांगे। उदों तक तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।